हेलो फ्रेंड्स, नमस्ते। तो आज मैं आपके साथ ऐसी रेसिपी शेयर करूँगी जो हेल्दी टेस्टी होगी। तो हम आज आलू की कचौरी बनाएंगे, वो भी तवे पे बिना फ्राई किए, क्योंकि बिना फ्राई किए हुए हेल्दी होता है। ऑयली तो चीज़ कोई खाने ही भी नहीं चाहिए, और खाए तो भी कम खाओ। तो मैं तो कम तो यहाँ पे मैंने एक कटोरी आटा शेयर करती हूँ आपके साथ। उसमें दही डाला है, तो यहाँ पे मैंने तो आधी चम्मच बेकिंग सोडा और अजवाइन डाल के उसको मैं गूंद के रख दिया है रेस्ट करने के लिए, आधा घंटा छोड़ देंगे। और यहाँ पे मैंने आलू पहले से उबाल के रखे थे, तो इनको मैश करके रख लिया। अभी इसका स्टफिंग तैयार कर रहे हैं। तो कढ़ाई में मैंने ऑयल डाला, जीरा और डाल के उसको जो आलू का मसाला, आलू थे ना, उनको डाल दिया। अभी बेसिक मसाले डाल रही हूँ, थोड़ा अमचूर डाला है और सौंफ डाल ली है। इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे, पका लेंगे। मैंने अभी गैस की फ्लेम को बंद कर दिया है, क्योंकि ज़्यादा देर चलाएंगे तो ये चिपकने लग जाएगा, और मसाला तो वैसे भी पक गया है। तो ये आटा भी हमारा रेडी है अभी, और स्टफिंग भी तैयार है। चलिए बनाते हैं। तो अभी मैंने आटे की छोटी छोटी लोइयाँ बना ली हैं, उनको बेल के छोटे छोटे से कचौरी या बोलो चाहे मिनी पराठे बोल सकते हो, कुछ भी। तो इसमें ये स्टफिंग भर लेंगे और हाथ से दबा के रख लेंगे। इनको बेलना नहीं है, थोड़ा थोड़ा हाथ से दबा लेंगे तो इनकी शेप हो जाए, बन जाएगी। तो देख सकते हो तो ऐसे गोल शेप में भर के, स्टफिंग भर के सारे लोइयाँ तैयार कर लेंगे। मेरी रेसिपी पसंद आए तो लाइक कमेंट शेयर ज़रूर करिएगा, प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो ये हमारी सारी कचौरियाँ बन के तैयार हो गई है, अभी इनको सेक लेंगे तवे पे। तो एक एक करके मैं तवे पे डाल रही हूँ इनको, और इनकी गैस की फ्लेम में स्लो रखनी है एकदम से। तो अच्छे से कुरकुरी खस्ता पकेंगी, आराम से फूल कर देंगे तो ये जल जाएंगे और कलर भी ख़राब हो जाएगा इनका। तो अभी मैं घी डाल रही हूँ, आप चाहो तो ऑयल से भी बना सकते हो, पर मैं घी डाल रही हूँ। थोड़ा थोड़ा करके घी डाल रहे हो इनको, और इनको उलट पलट करके अच्छे से सेक लेंगे, और आँच स्लो ही रखनी है। आराम से इनको दबा दबा के अच्छे से सेक लेंगे ताकि कच्ची ना रहे। थोड़ा ऊपर से घी और डाल दिया है। देख रहे हो आप कितनी अच्छी दिख रही हैं, हेल्दी भी हैं और टेस्टी भी हैं, ज़्यादा टाइम भी नहीं लगा। तो इनको टेढ़ा मेढ़ा करके ऐसे किनारे से सब सबको अच्छे से सेकना है, नहीं तो किनारे पर से कच्ची रह जाएंगी। तो इनको मैंने टेढ़ा कर करके, सीधा सीधा कर करके अच्छे से सेक लिया है। स्लो फ्लेम पे सेकेंगे तो कच्ची नहीं रहेंगी बिल्कुल, और आराम से पक जाएंगी, किनारे भी पक जाएंगे। आप भी ट्राई करिएगा, बहुत हेल्दी और टेस्टी है। आप सबको पता है कि फ्राई की हुई चीज़ तो है ना हेल्दी हो ही जाती है, तो ट्राई करिएगा ज़रूर। चलिए हमारी कचौरी हो गई है तैयार, अभी सर्व कर लेते हैं। आज की मेरी लंच थाली यही रहेगी। तो चलिए कचौरी डाल ली, और दही दही भी डाल लेते हैं, दही कचौरी खाएंगे। और एक बार ज़रूर ट्राई करिएगा और कमेंट करके बताइए कैसी लगी मेरी रेसिपी।